मैं वैज्ञानिक डॉक्टर बीबी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया। इस समय मैं अपने प्रक्षेत्र पे जो गेहूं की बुआई किया हुआ है, इसमें हमने सुपर सीडर विधि से बुआई कराया है। और इस बुआई की विधि में हमारा जो क्या फ़ायदे हुए हैं इससे बोने से, कि हमने 2500 रुपये प्रति एकड़ इसकी बुआई दिया था। और मुझे आता है कि अगर हमारे जो किसान भाई करते हैं, पहले अपने खेत की वो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद फिर उसकी बुआई करते हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग प्रति एकड़ उनका 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो जाता। लेकिन हमारा जो है इससे बुआई करने में, मैं बीघे की बात बता रहा था कि 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाता, लेकिन इसको जब एकड़ में हमने किया तो 10-12 हज़ार रुपये एकड़ खर्च होने का विधान बना। लेकिन हमारा जो 2500 रुपये एकड़ से बुआई हुई, तो मुझे बहुत फ़ायदा ये हुआ इससे। पहले तो मल्चिंग क्या हुआ कि हमारा सुपर सीडर आया, लाइन से सीधे बुआई कर दिया, और उसी में जितने मेरे खेत के पुआल थे वो सब पुआल इसमें पड़े हुए थे, पौधा हमारा जमा। और जैसे जैसे पानी पाता गया वैसे वैसे इसमें सड़न हो रहा है। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी गेहूं की फसल इस समय पूरी लहलहा रही है, और इससे हमारा, मुझे प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का मेरा बचत भी हुआ है। और मैं ये अपने जनपद के किसानों से या प्रदेश के किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो अगर सुपर सीडर से बुआई करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आप जो देख रहे हैं हमारी गेहूं की वैरायटी करण वंदना इसमें लगी हुई है, जिसको भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से निकाला गया, हरियाणा से। ये वैरायटी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर हम 15 नवंबर के आसपास इसकी बुआई 15 से 25 तक नवंबर तक कर देते हैं तो ये हमारी काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी बढ़िया होता है। आप देख रहे हैं ये मेरा गेहूं 20 नवंबर को लगभग बोया गया था, और 20 नवंबर के बाद इसमें बाली आ गई है, और धीरे धीरे अब इसकी बाली अभी बढ़ेगी। अभी तो इसका शुरुआती अवस्था चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और मुझे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा पुआल है, ये पुआल बारी बारी से इसमें सब सड़ता हुआ इस तरीके से सब सड़ जा रहा है। तो अगर मल्चिंग किया जाए तो मल्चिंग में क्या है, एक चीज़ और है कि चूंकि हमारा ये ज़मीन जो है बालू का है, तो इसमें हमारा ये मल्च सड़ता जा रहा है, पानी की क्षमता इसमें ज़्यादा बढ़ रही है, कि मतलब पानी ज़्यादा देर तक हमारा रोक दे रहा है। नहीं तो बालू होने की वजह से जल्दी हमारा सूख जाता, लेकिन मल्चिंग के जब ये है तो धीरे धीरे इसमें देख रहे हैं कि पुआल अब छोटा हो गया, नहीं तो इसमें बहुत बड़े बड़े पुआल थे। तो इसकी बुआई करने से, और मुझे ये अपेक्षा है इसकी कि हमारी इस ज़मीन में, जहां हमारा उस तरीके से करते तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जाते जाते बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन लाइन से बुआई करने की वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि इस करण वंदना से हम 60 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी बुआई, मतलब उपज हम प्राप्त कर सकते हैं।